हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है हमारे पुराणों के पन्नों में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री रामेश्वर धाम की महिमा। रामेश्वरम धाम जो कि हमारे इस भारत के चार प्रमुख धामों में से एक है। सतयुग में भगवान बद्रीनाथ में कृपा करते हैं, त्रेता युग में भगवान रामेश्वरम में, द्वापर में भगवान द्वारकाधीश के रूप में, और कलयुग में भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में जगन्नाथ पुरी में कृपा करते हैं। तो ये भगवान के चार मुख्य चार धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम में भगवान तपस्या करते हैं, रामेश्वरम में भगवान अपना स्नान करते हैं 24 तीर्थों में, और द्वापर युग के जो द्वारकाधीश है वहां भगवान श्रृंगार करते हैं, और जगन्नाथपुरी जहाँ पर भगवान अपना नित्य प्रतिदिन भोजन करते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं, एक तपस्या क्षेत्र, एक स्नान क्षेत्र, एक श्रृंगार क्षेत्र और एक अन्य क्षेत्र। इस तरह से इन क्षेत्रों को भाग चार धाम में बांटा गया है। तो जो ये रामेश्वरम धाम है जहाँ पर हमारे इस्कॉन अभी एक यात्रा लेके जा रहे हैं, तो उस रामेश्वरम धाम की महिमा को हमें सुनना चाहिए। कहते हैं पुराण में आया, स्कंद पुराण के अंदर, तत्फलम कोटि गुणितम निमिषे निमिषे नृणाम, निस्संदेह भवे देवम रामनाथ विलोकिनाम। कहते हैं सतयुग में कोई व्यक्ति 10 वर्षों का जो पुण्य किया जाता था, उसे व्यक्ति 10 वर्ष, यानी कि सतयुग में अगर किसी ने 10 वर्षों तक कोई तपस्या की हो और पुण्य प्राप्त किए हो, 10 वर्षों की तपस्या के बाद उसे त्रेता में व्यक्ति केवल एक वर्ष में सिद्ध कर सकता था। और त्रेता युग में जो एक वर्ष में मिलता था, द्वापर युग में केवल एक महीने में वो फल मिल सकता था भगवान कृष्ण के भजन कर, और द्वापर में जो एक महीने में मिलता था, कलयुग में वो एक दिन के अंदर साध्य हो सकता है। लेकिन कब? जब व्यक्ति भगवान रामेश्वरम का दर्शन कर पाए। जो व्यक्ति भगवान रामेश्वरम का दर्शन कर लेगा, उसी दिन कलयुग में उसे वो फल मिलेगा जो द्वापर में एक महीने में मिलता था, त्रेता में एक वर्ष में मिलता था, और सतयुग में 10 वर्षों में मिलता था। यानी सतयुग की 10 वर्षों की तपस्या के बराबर का फल एक रामेश्वरम दर्शन कलयुग में देता है। तो रामेश्वरम धाम बड़ा अद्भुत धाम है। यहाँ पर आप देखेंगे दुर्लभ भगवान राम के द्वारा जो शिव जी की शिवलिंग की स्थापना करी गई है, ये अवश्य देखना चाहिए यहाँ पर। और कहते हैं कि जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक रामनाथ इस शिव क्षेत्र में आता है, उपग पग पर अश्वमेघ फल की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य भक्ति के साथ यहाँ पत्र पुष्पम फल जल दान करता है, उसे भगवान राम दिन रात उसकी रक्षा करने का प्रण लेते हैं। सभी यज्ञ दान तपस्या तीर्थ स्नानों का फल यहाँ मिलता है। यहाँ पर 24 तीर्थों का जल इकट्ठा है, जिसमें स्नान करने से व्यक्ति को समस्त 33 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। आदमी जो भी व्यक्ति इस रामेश्वरम यात्रा को पढ़ता है, सभी पापों से उसका जीवन मुक्त हो जाता है। सेतु बंध, रामेश्वरम लिंग, गंध माधन पर्वत आदि का दर्शन करने से व्यक्ति के सर्व पाप रहित हो सकता है। तो ये अनेक अनेक ऐसी अद्भुत महिमा यहाँ पर वर्णन करी गई है इस रामेश्वरम तीर्थ की। इसे राम तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि भगवान राम यहाँ पर उपासनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। कहते हैं कि ये महान पातक हरि क्षेत्र है, यानी पापों को हरण करने वाला। जिस पल आप इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, आपको सिद्धि का एहसास होगा, पवित्रता का एहसास होगा, आपका पूरा ऐसा लगेगा जैसे मैं अपाप हो गया हूँ, अपाप हो गया हूँ, पाप ही समाप्त हो गए। पाप नाशक, भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, यहाँ तक कि वैकुंठ गमन की शक्ति प्रदान करने वाला ये क्षेत्र है। तो ये अद्भुत है। अब यहाँ पर एक डाउट रहता है जो लोगों को, कि रामेश्वरम शब्द का अर्थ क्या है। राम जिनकी पूजा करते हैं शिव जी वो, या फिर वो जो शिव जी राम की पूजा करते हैं, दोनों ही मायनों में ठीक है। शिव जी एक भक्त होकर के अपने प्रभु राम की वंदना जहां करते हैं, और राम प्रभु होकर के अपने भक्त से जहां प्रेम करते हैं, उस तीर्थ को रामेश्वर तीर्थ कहते हैं। रामेश्वर का मतलब राम जिनके ईश्वर हैं, रामेश्वर। अब फिर शिव जी ने पूजा क्यों करी शिव जी की, अगर राम जी प्रभु हैं उनके तो उन्होंने पूजा क्यों करी। अब इसको समझ लेना चाहिए हमको। भगवान राम बड़े ही दयालु, कृपालु, महिमा मंडित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। त्रेता युग में भगवान की अर्धांगनी सीता को जब रावण ने अपहरण कर लिया, तो भगवान राम
भटक रहे थे दंडक वनों में और पहुंच गए रामेश्वरम तीर्थ। और यहाँ पर भगवान ने, जानते थे कि रावण उठाकर ले गया है, बीच में समुद्र है जो 100 योजन है, एक योजन में 12 किलोमीटर यानी 1200 किलोमीटर लंबा एक समुद्र है जिसे पार करना है, उस पर सेतु बनाना है, जाना है रावण का वध करना है। तो भगवान जानते थे कि रावण शिवजी का एक महान भक्त है, तो इस शिवजी के महान भक्त को अगर मैं मारूंगा शिवजी को बुरा नहीं लगेगा, जो शिवजी की उपासना करते हैं उनका तो दिल टूट जाएगा कि इतना उपासना करने पर भी प्रभु ने हमारी प्राण रक्षा नहीं करी। रोज ओम नमः शिवाय का जाप करता था, रोज गंगा जल आदि चढ़ाया करता था, फिर भी रावण का वध हो रहा है, कैसे मैं करूं। तो उन्होंने शिवजी को बुलाया, शिवजी प्रकट हुए इस रामेश्वरम तीर्थ में और बोले, जी प्रभु राम आपने मेरे को क्यों पुकारा। बोले, मैं तुम्हारे भक्त रावण का वध करने जा रहा हूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। बोले, प्रभु कैसी बात करते हैं, आपका नाम तो मेरी जुबान पर सदा रहता है, सुबह शाम निरंतर मैं आपके नाम का जप करता हूं, मैंने तो अपनी पत्नी पार्वती को भी बताया है, राम रमेति रमेति राम नाम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णने, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर एक राम नाम बोलने से ही वो फल मिल जाता है, तो मैं तो आपका साथ सारा दिन नाम जपता हूँ प्रभु, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको पूरी आजादी है उसका वध करने। भगवान बड़े बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपने गले की माला उतार कर भगवान ने शिवजी को निर्माल्य प्रसाद रूप में दी और अपने गणों से कहा, अपने पार्षदों से कहा, शिवजी की महिमा गान करो, बोलो शिवजी की जय हो। अब इस चीज को लोगों ने कैप्चर कर लिया और लोग सोच रहे हैं कि अरे ये व्यक्ति तो शिवजी की पूजा कर रहा है, इसका मतलब शिवजी बड़े हो गए, ऐसा लोगों के मन में भ्रांत धारणा फैल गई पूरे समाज में। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान राम के बारे में शिवजी खुद अनेक अनेक पुराणों में इस बात का वर्णन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं जो हूँ किसी व्यक्ति का गुरु हूँ और वो मुझे मिलने आया और मैंने उनसे पूछा तुम्हारी सेवा कैसी चल रही है, उसने कहा बहुत अच्छे, मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपनी माला भेंट में देता हूँ, मैंने उतार करके उस भक्त के गले में वो माला डाल दी और किसी ने फोटो खींच ली, अब वो देख रहे हैं कि ये वाले जो प्रभु जी हैं या गुरु जी हैं ये इनको माला पहना रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये तो इनका गुरु हो गया ना, ये छोटे हो गए ये बड़ा हो गया। माला पहनाने जैसे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये तो व्यक्ति के गुण होते हैं। शिव जी कभी नहीं चाहते कि उनको भगवान बनाया जाए, भागवत में लिखा है वैष्णव नाम यथाम शंभु, शंभु वैष्णवों में सबसे महान है, सबसे बड़े हैं। और इस प्रकार जब सीता जी को लेकर रावण का वध करके पुनः लौट रहे थे, तो जब रावण का वध होने लगा तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, देखो आपका भक्त मारा जा रहा है, आप कुछ करेंगे नहीं। शिव जी बोले, देखो ये आज तक असुरों से लड़ रहा था, मैं इसकी मदद कर रहा था, परंतु अब इसने भगवान से पंगा ले लिया है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, पार्वती तुम भी मुंह मोड़ लो, मैं भी मोड़ लेता हूँ, और दोनों जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र जाप करने लगे। नहीं उसकी कोई मदद करे, रावण धराशायी हो गया। रावण भी जानता था शिव जी जो आकर के बोल दिया था कि मैं मानता हूं कि तुम नारायण के भक्त हो और मैं भी नारायण का भक्त हूं, लेकिन पहले मैं तुम्हारा भक्त हूं, सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं, नारायण के हाथों मरूंगा, मुक्ति प्राप्त करूंगा। जाकर भिड़ गया भगवान से, मारा गया। जब मर गया, सीता जी को लेकर आए, सीता जी ने कहा कि रावण तो शिव जी का भक्त था, शिव जी को दुख नहीं लगेगा, तो हमें उनकी उपासना करनी चाहिए, उनकी गुणगान करना चाहिए कि उन्होंने अपने भक्त को मरवाया और बीच में आकर के कोई अवरोध नहीं किया, ऐसे महान वैष्णव की वहां प्रशंसा होनी चाहिए। तो उन्होंने पुनः शिवलिंग की स्थापना। तो हम ये देख सकते हैं कि रेत से बना हुआ शिवलिंग आज भी विराजमान है। हनुमान जी ने कोशिश करी, क्योंकि हनुमान जी को कह दिया था सीता जी ने कि जाओ तुम एक शिवलिंग ले आओ, हम उपासना करेंगे। वो शिवलिंग लेकर लौटे, तब तक पता चला कि शिवलिंग तो बन गया और पूजा भी हो गई। वो बड़े क्रोधित हुए, हनुमान जी बोले मैं इतनी मेहनत करके लाया हूँ शिवलिंग, स्थापना नहीं हो रही है। तो बोले ऑलरेडी हो गया रेत से। बोले रेत का तो बह जाएगा। भगवान राम बोले तो खींच कर दिखाओ। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में बांध कर उस शिवलिंग को खींचने की कोशिश करी, तो पूंछ टूट गई। तो एक मंदिर है पूंछ तोड़ हनुमान मंदिर, हाँ पूंछ टूट गई लेकिन शिवलिंग नहीं। आज भी उसी रेत के बालू के शिवलिंग की उपासना और पूजा होती है, क्योंकि ये महान भक्त की भूमि है, ये पुण्य की भूमि है, भक्ति की भूमि है, जहां पर प्रभु राम की भक्ति को दिखाया गया है, जहां पर दिखाया गया है कि आपको अहंकारी नहीं होना चाहिए। अगर राम या कृष्ण कोई निर्णय लेते हैं उसके आगे शिवजी भी कुछ बोलते नहीं है, तो हमको भी चुप रहना चाहिए भगवान के निर्णय के आगे। मैं ये नहीं सोचना चाहिए भगवान ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं, हम समझदार हैं। तो शिवजी इस बात का प्रमाण यहाँ पर दे रहे हैं, इसलिए उनकी उपासना और पूजा वहां पर होती है।
आशा करते हैं आप ही रामेश्वरम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, जीवन को आनंदमय बनाएंगे। हरे कृष्ण।